दोस्तों, ये तूफ़ान का सीलिंग फ़ैन है। देखिए, ये एक्चुअली बहुत दिनों से सोच रहा था, ये तूफ़ान फ़ैन या कूलिंग भी बोलते हैं इसको। काफ़ी सारे कंपनी का सीलिंग फ़ैन आता है, क्योंकि ये जो एल्युमिनियम वाइंडिंग का जो फ़ैन रहता है, अंदर इसका जो कोयल है एल्युमिनियम का वाइंडिंग रहता है, और ये चिप में आता है, बहुत ही कम दाम में इसको मिल जाते हैं। कोई कोई जगह में, हमारे दिल्ली वगैरह इस तरफ में, तो 400-500 रुपये में भी ये फ़ैन जो है मिल जाता है। क्योंकि का ज़्यादातर लोग कॉस्टली फ़ैन अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ये कम दाम का जो फ़ैन होता है, इसको ही 1-2 साल के लिए लगा करके चला लेते हैं। देखिए, इसका कंटिन्यूटी मैं चेक कर रहा हूँ, लेकिन कंटिन्यूटी जो है नहीं बता रहा है। ये देखिए, ये को एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये कॉपर का वाइंडिंग है, तो इसमें शॉर्ट होने से भी जो है, कॉपर का जो वाइंडिंग है, इसमें जो कनेक्शन का वायर है, इसमें कंटिन्यूटी बताते हैं। लेकिन ये जो एल्युमिनियम वाइंडिंग का जो कम क्वालिटी का फ़ैन है, इसमें कंटिन्यूटी नहीं बताता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको 1 साल 2 साल चलाने के बाद जो है, ठंडी के मौसम में इसको बंद करके रख दीजिए, और जब गर्मी आएंगे इसको चलाने की कोशिश कीजिए, या नहीं चलेगा। तो इसका बनावट जो है, अंदर जो है, बहुत ही अच्छा बनाते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये एल्युमिनियम का जो वाइंडिंग होता है, वो वाइंडिंग इसमें होता है। ये देखिए, कोयल, आप कोयल का जो हालत है, आप देख सकते हैं। देखिए, आप लोग का सामने दिखा रहा है, तो ये देखिए कोयल का अभी जो कोयल जो है, अभी भी ठीक ही है। देखिए, वाह, बिल्कुल नया दिख रहा है। तो मैं इसका जो कनेक्शन तार है, इसको पहले कट करके निकाल देता हूँ। ये देखिए, एक सैंपल दिखा रहा हूँ। ये देखिए इसका तार, देखिए ये देखिए, ये टूट जा रहा है। देखिए, तो इस तरह से कनेक्शन का वायर जो है, कनेक्शन नहीं बन पाता है कोयल के साथ, क्योंकि इसमें जो कनेक्शन का वायर है, ये भी एल्युमिनियम का जो फ्लेक्सिबल वायर है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, इसको रिपेयर करना बहुत ही आसान है। बहुत ही काफ़ी कस्टमर आते हैं मेरे पास ये फ़ैन लेकर के। काफ़ी सारे कंपनी का होते हैं, कूलिन, तूफ़ान वगैरह वगैरह, बहुत सारे कंपनी है। तो काफ़ी दिनों से सोच रहा था इसका ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, तो आज जो है इसका ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, इसका कनेक्शन का वायर सब निकाल दिया हूँ मैं पहले। ये देखिए, स्लिफ जो पाइप लगा होता है कनेक्शन वायर के ऊपर, इसको अच्छी तरह से आप ध्यान से जो है हटाइएगा, और इसको खींचने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि एल्युमिनियम का वाइंडिंग है, एल्युमिनियम का तार है। थोड़ा सा जोर लगाएंगे, टूट जाएंगे, फिर कनेक्शन नहीं मिले आपको, जो है कनेक्शन नहीं मिल पाएगा। फिर आप जो है इसको ढूंढते रहेंगे, फिर बेकार हो जाएगा आपका जो कोयल है। तो इस तरह से कोई भी ब्लेड वगैरह लेकर के आप जो है स्लिप पाइप को निकालने का कोशिश कीजिएगा। अगर हल्का सा खींचने पर अगर आ जाता है, तो अच्छी बात है। तो इस तरह से देखिए, ये जो कनेक्शन जो बनता है इसका वायर के साथ, ये जगह में देखिए, वायर जो है पूरा गल चुका था, टूट चुका था, क्योंकि एल्युमिनियम का वायर जो है, काफ़ी दिन इस्तेमाल करने के बाद जो है पाउडर हो जाता है वो। तो इस तरह से देखिए, ये कनेक्शन जो है, चारों का चारों कनेक्शन अच्छी तरह से बना हुआ है। देखिए, तो देखिए अंदर का जो स्टार्टिंग कोयल है, इसका कनेक्शन बन रहा है, लेकिन जो रनिंग कोयल है, इसका कनेक्शन नहीं बन रहा है। तो एक चीज़ करेंगे हम लोग, ये देखिए वायर जो है काफ़ी पुराना हो चुका है, तो इसको जो है वायर को पहले ठीक करना पड़ेगा। आप इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक लाइटर लीजिए, आप माचिस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, इस तरह से हल्का सा जलाइएगा, ज़्यादा ज़्यादा जलाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि एल्युमिनियम है, ज़्यादा गर्मी मिलेगा, टूट जाएगा फिर बीच में। थोड़ा सा हल्का सा लगाइएगा, सिर्फ जो वायर के ऊपर जो इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, उसको निकालने के लिए जो है हल्का सा इसमें आग लगाइएगा। तो इस तरह से इंसुलेशन को क्लीन करके अभी जो है इसका कंटिन्यूटी एक बार चेक करेंगे। तो देखिए, कंटिन्यूटी बन रहा है अपना, तो कोयल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादातर ये जो एल्युमिनियम का जो वाइंडिंग होता है कोयल, ज़्यादातर जो है जल्दी ख़राब नहीं होता है। सिर्फ इसका समस्या ये है कि जो कनेक्शन का जो पॉइंट है, उसमें जो है कनेक्शन जो है छूट जाता है।
तो इस तरह से मैं कॉपर का तार लेकर के जो है इसका कनेक्शन बनाएंगे, नया कनेक्शन। आप फ्लेक्सिबल एल्युमिनियम का जो फ्लेक्सिबल रहता है इससे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जो हूँ कॉपर का वायर से इसका कनेक्शन बनाएंगे। तो देखिए ये दोनों वायर जो है स्टार्टिंग का एक और रनिंग का एक, ये दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा। तो जोड़ने के बाद अपना ये बनेगा अपना कॉमन कनेक्शन, इसमें रेड कलर का वायर जो है इसमें जोड़ दीजिएगा। क्योंकि इसमें एल्युमिनियम है, कोयल जो है एल्युमिनियम का है, तो इसमें हम लोग सोल्डरिंग करेंगे तो भी सोल्डरिंग जो है नहीं पकड़ेगा। तो अच्छा होगा आप जो है इसका जो जोर लगाएंगे अच्छी तरह से लगाइएगा। तो इस तरह से तीनों वायर को हम लोग जो है कनेक्शन कर देंगे। दोस्तों चैनल में नए हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। शेयर करना मत भूलिएगा, कुछ भी डाउट है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। और वीडियो में बने रहिए दोस्तों, दिखाएंगे आप लोग को सामने ही, दिखाएंगे कैमरा के सामने इसको जो है चला करके दिखाएंगे। तो इस तरह से अच्छी तरह से आप जो है स्लिप पाइप लगा दीजिएगा। और इसमें एल्युमिनियम कोयल का जो भी फैन वगैरह है इसमें जब आप काम करेंगे बहुत ही ध्यान से आपको काम करना चाहिए, क्योंकि इसका जो कोयल का जो तार है बहुत ही नरम है, क्योंकि एल्युमिनियम का बना होता है ये। तो इसमें आप थोड़ा सा भी इसमें जोर लगाएंगे आपका तार जो है तुरंत ही टूट जाएगा। तो इस तरह से अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक आप जो है इसमें, अगर केबल टाई है तो केबल टाई लगाइए, नहीं तो आप जो है धागा से भी इसको बांध करके रख सकते हो। तो इस तरह से तीनों वायर को जो है अच्छी तरह से कोयल के साथ पकड़ बना लिया। उसके बाद जो है ये तीनों वायर को ये जो साफ है इसके अंदर से जो है हम लोग पास कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह का कोई भी तार लेकर के आप जो है कनेक्शन का जो वायर है इसको ऊपर ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से कनेक्शन को दोबारा से आप जो है करके जो है रिपेयर करके इसको फिर 1-2 साल आराम से चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ा समस्या यही है, ये जो एल्युमिनियम वाइंडिंग का जो भी फैन है इसमें यही कनेक्शन का प्रॉब्लम होता है। लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं है कि मैं जो है वीडियो में कैमरा के सामने जो है आसानी से इसको रिपेयर करके जो है दिखा रहा हूँ, तो इतना भी आसान नहीं है। आपको अगर अच्छी तरह से इसके बारे में मालूम है तो तभी जो है आप इसका रिपेयर वगैरह कीजिएगा। नहीं तो जो है थोड़ा सा गड़बड़ कर देंगे, फिर आपका पंखा जो है फिर जो रिपेयर हो सकता था वो रिपेयर भी नहीं हो पाएगा, फिर जो है आपको नया लेना पड़ेगा। तो इस तरह से इसका जो है कवर वगैरह लगा दिया हूँ, नट वगैरह लगा करके इसको चला करके आप लोगों को सामने दिखाएंगे एक बार। और ये सिर्फ कम दाम होने की वजह से जो है ज़्यादातर लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि फिर भी जो है दोस्तों इसका ये फ़ैन का जो है स्पीड जो है काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि एल्युमिनियम वाइंडिंग का जो फ़ैन वगैरह जो भी होता है स्पीड काफ़ी बना रहता है, इसमें स्पीड ज़बरदस्त देता है ये। तो ये देखिए ये कैपेसिटर का होल्डर लगा दिया हूँ। रेड कलर का जो वायर है ये अपना बनेगा कॉमन वायर, और जो दो दो ब्लू कलर का वायर लिया है हम, इसमें एक एक जो है कैपेसिटर का कनेक्शन बनेंगे उसमें।
इस तरह से जो ब्लू कलर का वायर है इसमें कैपेसिटर का कनेक्शन कर दीजिए। उसके बाद जो है कनेक्शन को जो है ये होल्डर में लगाने से पहले जो है आप एक बार टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि ये पंखा जो है सही दिशा में घूमना चाहिए। देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। देखिए जिस ये ऊपर का जो कनेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसमें बनेगा अपना कनेक्शन दूसरा। तो ये जो दूसरा कनेक्शन है इसको हाइड कर देंगे हम लोग। और जो है इसका कनेक्शन जो है फेस न्यूट्रल ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये देखिए होल्डर में जो ऊपर और नीचे का जो कनेक्शन है इसमें आप कहीं पे भी न्यूट्रल फेस लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से मैं अपना प्रॉप को यहाँ पे लगा दिया हूँ। इसको जो है ऑन करके सप्लाई देख के दिखाते हैं। देखिए जो कॉपर का जो फैन होता है इससे भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड होता है ये फैन में। देखिए ये पंखा जो है अभी जो है बराबर जो है अच्छी तरह से चलने लगा है। तो इस तरह से रिपेयर करके जो है आप ये पंखा को जो है फिर 1-2 साल आराम से चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आशा करता हूँ आप लोगों जो है ये वीडियो के ज़रिए कुछ ना कुछ समझ में आया होगा और जो है कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो कुछ भी डाउट है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।